दूध पिया बच्चा थे तब इन्होंने देवगोरा और गुजराल जी को किंग मेकर बने हुए थे, और फिर कांग्रेस के साथ इन्होंने 10 साल मिनिस्टर रहा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने सभी जाति को दरकिनार कर गाली दी कि आपके पिता के लिए बेटा ही जाति है कि उस जाति का वर्कर भी जाति है? जब दलित महादलित अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा आप कर रहे हैं और माय कर रहे हैं, अब भूरा बाल आप समाप्त कर रहे थे और बैकवर्ड से आप माय पर आ गए, तो पसमंदा मुसलमान की भी संख्या निकाली, मुसलमान में भी गरीब जो लोग बांग्लादेशी या जिसकी बात करते हैं, तो हम उनसे कहेंगे हैं तब तो आर्ज और अनार्ज के बारे में भी आपको किताब पढ़ लेना चाहिए। उसके युवराज से मैं पूछना चाहूंगा कि आप जन्म कब लिए? 90 की बात। और आपके पिता राजनीति में आए 67 में, 67 में। तो पहले आप ये बताइए कि आपके पिता के लिए बेटा ही जाति है कि उस जाति का वर्कर भी जाति है? आप लोग तो उसी जाति के लोगों को श्री बच्चन को कि बीजेपी में चला गया, दानापुर का था जिसको मारा, फिर एमएलसी को मारे, मनेर के जो लड़के को मारा था, ये लोग कौन यादव सिपूचर की, अरे बीजेपी में गया यार पहले ही सनोज, हाँ ये पॉलिटिशियन सबको यही याद रहता। उसके बाद तो पहले तो आप पहले जाति के बारे में इसको समझ है कि नहीं, और ये जाति की समझ कब आई? जब दलित महादलित अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा आप कर रहे हैं और माय कर रहे हैं, अब भूरा बाल आप समाप्त कर रहे थे और बैकवर्ड से आप माय पर आ गए, तो पॉलिटिकल लाभ कब कब आप लोग लेने का प्रयास किए हैं वो मैं आपको याद दिलाता हूं। जब आपको सत्ता और सियासत की वोट की बारी आई तो उसी हिसाब से आपने काम किया। पसमंदा और तो पसमंदा मुसलमान की भी संख्या निकाली, मुसलमान में भी गरीब जो लोग बांग्लादेशी या जिसकी बात करते हैं, तो हम उनसे कहेंगे हैं तब तो आर्ज और अनार्ज के बारे में भी आपको किताब पढ़ लेना चाहिए। मेरा इसीलिए पहला सवाल विपक्ष से है जो यह कहते हैं कि हमने, तो आप दो मुख्यमंत्री एक डिप्टी सीएम रहे, आप गोदी में निप्पल पी रहे होंगे, दूध पिया बच्चा थे तब इन्होंने देवगोरा और गुजराल जी को किंग मेकर बने हुए थे, और फिर कांग्रेस के साथ इन्होंने 10 साल मिनिस्टर रहा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने सभी जाति को दरकिनार कर गाली दी और माय पर आ गए, और वर्तमान सरकार जो बीजेपी की है ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा पसमंदा गैर पसमंदा हुआ, आगरा में आगरा, आगरा में अत्यंत आगरा और पूर्ण आगरा नहीं हुआ, अदलित महादलित हुआ? तो मनसा कभी भी ना तो बीजेपी की गवर्नमेंट की और ना ही विपक्ष को जो युवराज है जिनको ना तो किसी कखरा का पता ना किताब का पता, वह जाति इन लोगों के नजर में जो दबंग जाती है वही जाती है। 286 में
20 जाति ही अभी तक भारत में और बिहार में 286 जाति है, मात्र 20 जाति को बेनिफिट मिला, मात्र 20। रेस्ट का क्या हुआ? क्या यह जाति जनगणना दबंग जातियों के लिए सिर्फ होगा कि रेस्ट 20 के बाद जितने कमजोर वंचित गरीब जाति है उसके लिए होगा?